नमस्कार, लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। खबर है देवघर से। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को देश भर में शुरू किया जा रहा है। इस सेंटर पर मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल रही है। 30 वर्ष की आयु के लोगों की निःशुल्क जाँच भी की जा रही है, जिसमें ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल कैंसर के अलावा हेपेटाइटिस और डायबिटीज का जांच शामिल है। योजना के तहत प्रखंड के 5 स्वास्थ्य उपकेंद्रों हेल्थ सब सेंटर को उपक्रमित कर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला गया है। पंचायत स्तर पर बन रहे इन सेंटर में पहले से उपलब्ध 6 के बदले 12 स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। आम लोगों के लिए पंचायत स्तर पर ही स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने तथा CHC में मरीजों को बोझ कम करने के लिए यह कवायद की गई है। 3 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 6 अपराधी गिरफ्तार। जसीडी के आंध्री गादर चौकी के पास पुलिस ने बुधवार को छापेमारी कर एक स्कॉर्पियो 650 पुरिया ब्राउन शुगर बरामद किया है। ड्रग की खेप लेकर देवघर आ रहे वाहन चालक सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर ड्रग के कारोबार में संलिप्त 3 अन्य युवकों को भी पुलिस दबोचा है। पुलिस के अनुसार बरामद ड्रग की बाजार में कीमत करीब 2.5 से 3 लाख रुपए होगी। 10 साल बाद सुंदर जलाशय में क्षमता के अनुसार भरा पानी। जिले के बोवारी जोर प्रखंड अंतर्गत राजा भिंटा के पास बने सुंदर जलाशय में लगभग 10 साल बाद क्षमता के अनुसार पानी भरा है, जिससे आने वाले समय में खरीफ के साथ ही रबी की फसल को पटवन की सुविधा मिल सकेगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जलाशय की क्षमता 30 MCM पानी की है। क्वारंटाइन सेंटरों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराए उपायुक्त। जिला मुख्यालय सभागार में उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में अस्पताल संबंध समिति एवं जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सिविल सर्जन को COVID-19 से संभाव्य प्रयास को देखते हुए उनके बचाव एवं रोकथाम के लिए स्वास्थ्य दिशा निर्देश दिया गया। CS ने बताया गया कि जिले में अन्य राज्यों एवं अन्य जिले से आने वाली व्यक्तियों की कोरोना जांच कर क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधा को पूरा करने अति आवश्यक है। इसके लिए बेड, गद्दा, चादर एवं इससे संबंधित अन्य सामग्री का कार्य किया जाना है। पूर्व SP शैलेश वर्णवाल से पूछताछ। गोड्डा में बरामद गांजा को भी संदेह की नज़र से देख रही CID। रांची JNN धनवार के निरसा में फर्जी तरीके से गांजा प्लांट करने की पुष्टि के बाद अब गोड्डा में बरामद गांजा से मिलने को भी CID संदेह की नज़र से देख रही है। इसकी एक मुख्य वजह यह है कि निरसा में फर्जी तरीके से गांजा प्लांट कर जिस तरह ECL के कर्मी चिरंजीत घोष को फंसाया गया था, उसी चिरंजीत घोष का नाम 1 सितंबर 2019 को गोड्डा के मांगामा थाने में दर्ज गांजा तस्करी के मामले में आया था। गोड्डा में गांजा के साथ मोहन रफीक नामक युवक की गिरफ्तारी हुई थी। तब मोहन रफीक ने पुलिस को बताया था कि ECL कर्मी चिरंजीत घोष उसका सहयोगी है। परीक्षा आई पूरी। मधुपुर महाविद्यालय में बुधवार को प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर PK राय की अध्यक्षता में परीक्षा समिति की बैठक हुई। प्रभारी आचार्य ने बताया कि 25 सितंबर से BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा, 29 सितंबर से UG सेमेस्टर 6 की परीक्षा आयोजित होगी। COVID-19 को लेकर परीक्षा के आयोजन में विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार SOP के नियम के तहत परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में होगी। परीक्षार्थियों और शिक्षकों को 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को फेस मास्क, सैनिटाइजर एवं बोतल पीने का पानी, पेन, पेंसिल, व्हाइटनर साथ में लेकर आना होगा। परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन मिलेगा। सभी अपने प्रवेश पत्र लेकर ही महाविद्यालय आएंगे। बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में अनुमति नहीं मिलेगी। साइकिल, मोटरसाइकिल का महाविद्यालय में प्रवेश नहीं होगा। परीक्षा केंद्र के प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। परीक्षा केंद्र के प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे।
सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चिकित्सा कर्मचारी संघ और चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ ने बुधवार को पुराना सदर अस्पताल प्रांगण में राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया। इस दौरान सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभी जरूरतमंदों को मिलेगा राशन कार्ड। उपायुक्त चितरंजन कुमार ने कहा कि एक भी जरूरतमंद राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं रहें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें। कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित सुपात्र लाभुकों को राज्य सरकार ने मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्य उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने जिलावार लक्ष्य पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अनुपातित रूप से निर्धारित किया है। साहिबगंज का लक्ष्य 52,317 है। संबंधित योजना अंतर्गत आच्छादित होने वाले लाभुकों का पंचायतवार और शहरी इलाकों में कार्डवार लक्ष्य संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यपाल पदाधिकारी को पूरा करना है। विधायक ने विश्व में उठाई मेडिकल कॉलेज की मांग। खबर है साहिबगंज से। मानसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में राजमहल विधायक अनंत ओझा ने मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग जोरदार तरीके से उठाई है। विधायक ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से कहा कि उत्तरी संताल परगना क्षेत्र का सुदूरवर्ती साहिबगंज राज्य की राजधानी से 500 किलोमीटर और उपराजधानी दुकान से 160 किलोमीटर दूर है। सुनिश्चित चिकित्सा के अभाव में जिलेवासियों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण सामान्य चिकित्सा के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए यहां एक मेडिकल कॉलेज स्थापित की जाए। पिछले बजट सत्र में भी यह मांग उन्होंने उठाई थी। खबर है पाकुड़ से। हिरणपुर प्रखंड अंतर्गत रामाकुंडा गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गाँव के ग्राम प्रधान मांझी परगना और लोहती केसी के उपाध्यक्ष कालिदास किस्कू के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें गांव के सभी स्थान समाज में बुद्धिजीव और युवकों के द्वारा चर्चा किया गया कि संस्थाल समाज का सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थल जाहिरनाथ को समाज के लोगों का कोशिश और मिलजुल कर पास के बगल चारदीवारी घर घेराव किया जाएगा, जिसमें संस्थाल समाज से सर्वश्रेष्ठ भगवान जाहिर बांगा को एक गृह स्थल मिलेगा। और समाज के लोगों का कहना है कि जाहिरनाथ में पूर्वजनों से ही सालों साल उनका अपना रीति रिवाज के साथ समाज के लोग पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। खबर है पाकुड़ से। राम महल लोकसभा के लोकप्रिय युवा सांसद विजय कुमार हासदा के अथक प्रयास से पाकुड़ में फेज 3 के तहत नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इस मेडिकल कॉलेज को वर्तमान में मौजूद जिला हॉस्पिटल में जोड़ा जाएगा। सांसद ने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का प्रस्ताव तैयार करवाकर केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया था। राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव भेजे जाने के बाद उनकी स्वीकृति मिली माननीय सांसद की। हासदा ने इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विज्ञान और औद्योगिक पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धक को पत्र लिखकर पाकुड़ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु ग्रहण किया था। उन्होंने मंत्री महोदय को बताया कि पाकुड़ आदिवासी बहुत इलाका है, यह क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बहुत ही पिछड़ा है। खबर है दुमका से। बसंत का कहना है कि उपचुनाव में पार्टी के जीत के लिए ईमानदारी से करें कार्य। उपचुनाव की तैयारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक बुधवार को आनशन उच्च विद्यालय मसलिया के सभागार में हुई। मौके पर युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन ने कहा कि उपचुनाव में पार्टी के जीत के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करें, साथ ही बूथ स्तर पर अपने संगठन को सशक्त करें, ग्राम स्तर के समस्याओं को अपने स्तर से रुचि लेकर समाधान करें, गाँव स्तर पर पार्टी की उपलब्धियों
को रखें। इस अवसर पर केंद्रीय महासचिव विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के विकास के लिए प्रयासरत हैं। वैश्विक महामारी को लेकर कुछ दिन सरकार संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यस्त थी। राज्य के प्रवासी के मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक की व्यवस्था की गई, जिससे कि राज्य के मजदूरों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। बैठक का संचालन पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष वासुदेव टुडू ने किया। खबर है जामताड़ा से, जहां पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रही है, अपने साइबर अपराधी को लेकर बड़े बड़े अंजाम दे रहे हैं। जामताड़ा का नाम आते ही पता चलता होगा कि साइबर अपराधी से जुड़ी खबर होगी। साइबर अपराधी ने किस प्रकार अंजाम दिया, तो चलिए आइए पूरा राम कहानी जानते हैं। साइबर थाना की पुलिस सिर्फ इसी जिले से नहीं बल्कि दूसरे राज्य की कोर्ट से जमानत लेकर घर लौटने वाले साइबर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रख रही है। नए एसपी दीपक कुमार सिन्हा के योगदान के बाद से दर्जन भर साइबर अपराधी यहां दबोचे गए हैं, जिनमें से कई दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसी निगरानी का परिणाम रहा कि साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर से बुधवार को दो अपराधी को धर दबोचे हैं। इनमें सुबल दास हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कोर्ट से जमानत लेकर अपना गांव लोकनिया पहुंचा था और फिर से ऑनलाइन ठगी में जुड़ गया था। पुलिस ने गिरफ्तार चाचा सुबल भतीजा लालचंद दास के पास से मोबाइल सिम एटीएम कार्ड आदि जब्त किया है। दरअसल 3 माह पूर्व हिमाचल प्रदेश के पुलिस की टीम यहां सुबल दास को दबोचने 3 माह पूर्व नारायणपुर के लोकनिया उसके गांव पहुंची थी। स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसकी घेराबंदी की गई, पर वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। हिमाचल प्रदेश की पुलिस यहां पहुंचने पर ही स्थानीय पुलिस पता चला था कि सुबल भी घाग अपराधियों में से एक है, जो 5 वर्षों से दूसरों राज्य के बैंक धारकों को अपना शिकार बना रहा है। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस तक से उस पर निगरानी कर रही थी। वह महीनों भर पहले हिमाचल जाकर वहां से जमानत ले लिया था। पुलिस की माने तो सुबल दास ने हिमाचल के एक बैंक धारकों के खाते से 4 लाख रुपया उड़ा दिए थे। इसी कारण में उसे दबोचने हिमाचल की पुलिस आई थी, पर वह खाली हाथ लौट गई थी। पहले सुब्बल खुद को फर्जी बैंक अधिकारी बताकर मोबाइल से दूसरे बैंक खाता धारकों को ठगी के लिए झांसा देता था, फिर उसका गोपनीय नंबर लेकर पैसा उड़ाता था। वह लिंक का उपयोग कर बैंक खातों से जुड़े मोबाइल धारकों को झांसे में लेकर उसकी खाते से राशि उड़ा रहा था। इसी आरोप में चाचा व भतीजा दोनों दोपहर में गिरफ्तार किए गए। खबर है दुमका से, भाजपा ने रोजगार दिया, बेरोजगार करने में लगा है झामुमो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जब से राज्य में हेमंत सरकार बनी है, तब से वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। राज्य सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करवा कर ये साबित कर दिया कि वर्तमान सरकार जन विरोधी है। आज युवा को रोजगार की जगह बेरोजगारी मिल रही है। सहायक पुलिस एवं हाई स्कूल टीचर इसका उदाहरण है। भाजपा ने इन्हें रोजगार दिया, जबकि हेमंत सोरेन सरकार इन्हें बेरोजगार करने पर तुली हुई है। जिला अध्यक्ष अमित रक्षी की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में आगामी उपचुनाव दुमका को लेकर बैठक हुई। मार्टिन किस्कू ने कहा है कि जेएमएम एवं हेमंत सरकार ने हमेशा दुमका सहित झारखंड की जनता को छला है। दुमका की जनता ने इनको जिताया और उन्होंने दुमका के जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। प्रदेश मंत्री मनीषा ने कहा है कि ये महागठबंधन की सरकार नहीं है, ये महाठगबंधन की सरकार है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।